हम ह्यूमंस भी ना बहुत ही ज्यादा क्यूट होते हैं, इतने ज्यादा क्यूट होते हैं कि हम लोग ना ऐसा सोचते हैं कि हमसे ऊपर एक भगवान है और हमसे नीचे जानवर है और हम जानवरों के भगवान हैं। और हम एक फॉल्स सेंस ऑफ प्राइड लेकर घूमते हैं, एक फॉल्स सेंस ऑफ होप लेकर घूमते हैं, जहां पर हमें लगता है ना कि इस दुनिया में सब कुछ अच्छा होता है, जो भी हमारे लिए किया जा रहा है वो अच्छा है, ये वाला इंसान अच्छा है, वो वाला इंसान अच्छा है। बट समय के साथ ना मेरे को ऐसी ऐसी चीजों के बारे में रियलाइजेशन हिट हुई है ना, जो कि मैं शेयर करे बिना रह नहीं सकता। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले तो मैं डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि ये वीडियो इस लेमन की तरह खट्टी कौड़ी बदबूदार सब कुछ हो सकती है। ये मत बोलना भाई लेमन तो होता नहीं बदबूदार और खट्टा और कोड़ा, मेरे वाला है आकर चूस लो। क्योंकि इंडिया का ग्रेटेस्ट सेल्फ डिस्ट्रक्शन चैनल कौन सा है? चैट टैग। एंड ये एक जीवन का तथ्य है। वाह, लेट अस स्टार्ट विद द मोस्ट ऑब्वियस पॉइंट, वीगनिज्म या वेजिटेरियनिज्म। देखो वेजिटेरियनिज्म इज नॉट सो बैड, उसमें आप दूध दही पी रहे हो, मक्खन खा रहे हो, जो कि नॉनवेज के बराबर ही आपको न्यूट्रिशन दे देता है, और अगर आप वेजिटेरियन और नॉनवेज हो तो आप दोनों की डाइट पूरी हो जाती है। इश्यूज इज वीगनिज्म, जितने भी लोग ये क्लेम करने बैठे हैं ना कि वी शुड नॉट हार्म द एनिमल्स एटसेट्रा एटसेट्रा, द थिंग इज कि अगर आप आज के समय पे एनिमल होते, आपका एवोल्यूशन नहीं होता, और मान लो कुत्तों का एवोल्यूशन हो गया होता, वो सेंटिएंट बींग्स बन गए होते हमारी तरह, तो वो हमें एक क्षण भी नहीं लगाते खाने में। एंड दैट इज जस्ट द ट्रूथ ऑफ लाइफ। मेरे को लॉयन किंग मूवी का वो वाला सीन याद आता है जिसमें ना मुसाफा से उसका बेटा बात करता है कि पापा 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 हम इन डंगरों को क्यों खा जाते हैं, इनमें तो जान होती है। तो मुसाफा एक बड़ी प्यारी लाइन बोलता है कि बेटे हम इन डंगरों को खाते हैं और उसके बाद जब हम मर जाते हैं तो हम घास बन जाते हैं और ये डंगर हमें खा जाते हैं। एंड उस लाइन ने मेरे को बचपन में पर्सपेक्टिव दे दिया था कि नेचर जो ये साइकिल पे वर्क करती है, और हम ह्यूमंस इतने ज्यादा गॉड कॉम्प्लेक्स के साथ रहते हैं कि हम इसी साइकिल को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ तुम मीट खा लो, मच्छी खा लो, जानवर को हत्या कर दो, मैं ये कह नहीं रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि एटलीस्ट दूध दही पनीर तो खा लो, क्योंकि ना हमारी अपनी लाइफ फटी पड़ी है, हमारे पास औकात नहीं है गाय पालने की, इतनी जमीन नहीं है, इतनी बंद बंद सिटीज में रहते हैं जहाँ पर खिड़की से धूप तक नहीं आती है। पर बातें हमें बड़ी बड़ी करनी है कि हमें गाय का दूध नहीं पीना है, हमें ये नहीं करना, वो नहीं करना। जब एक प्लेन क्रैश होता है सबसे पहले किसको ऑक्सीजन मास्क लगता है, खुद को लगाया जाता है या बाकियों को लगाया जाता है? सबसे पहले खुद को लगाया जाता है। तो जब तक तुम अपनी लाइफ में एक मैटर करने वाली पोजीशन पर नहीं पहुंचो जहां पर तुम्हारा ओपिनियन मैटर करे, तुम मैटर करो, तब तक तुम्हें वीगन बनने की चुल क्या पड़ी है? 20-25 हजार सैलरी कमा कर तुम वीगन वीगन करते रहते हो, तुम पागल हो? तुम्हारे पास ऐसे कुछ अच्छा खाना खाने के पैसे हैं नहीं, तुम्हें पता पी प्रोटीन कितनी महंगी होती है? साथ में तुम्हें जो ऑप्शन मिलते हैं भगवान की तरफ से कि अंडे मिल रहे हैं, दूध मिल रहा था, तुम उसको डीमोनाइज कर देते हो, ना खुद खाते हो ना बाकियों को खाने देते हो। ये कितना स्टूपिड है सोचने में कि अपने लगे पड़े हैं, अपना घर जल रहा है पर पड़ी बाकियों की है, अपना नहीं बचाना। कि भाई अच्छा खासा खा लो, कुछ अपने दिमाग को दौड़ा लो, कुछ बन जाओ लाइफ में, 2-3 लाख रुपया कमाए लग पड़ो, उसके बाद वीगनिज्म करना ना, औकात होगी तुम्हें तब पी प्रोटीन खाना फिर, या अपनी गाय पाल लेना, उसको प्यार से बड़ा करना। पर नहीं, मैं तो गरीब हूँ और मैं गरीब होके ही सोशल वर्क्स करूंगा। वाह यार वाह, क्या ही गॉड कॉम्प्लेक्स है ना हम लोगों में। और ये जितने भी लोग कहते रहते हैं ना कि तुम हिंदू हो तो फिर तुम नॉनवेज खा ही नहीं सकते, ये वो, मैं तुम लोगों से बस एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ लूँ, छोटा सा। अगर तुम्हारे पीछे दम है, इतना सा भी दम है, तो मेरे को सिर्फ इस क्वेश्चन का छोटा सा आंसर दे दो। ये जो वीडियो प्ले हो रही है ये है हिमाचल का नवाड़ा। नवाड़ा एक इवेंट होता है जिसमें साल में या 2-3 साल में एक बार गद्दी कम्युनिटी जो है ना वो शिव जी के लिए पूजा रखते हैं। गेस व्हाट, इस पूजे में ये बकरे की गर्दन को काट देते हैं, अलग कर देते हैं, फिर भोलेनाथ को चढ़ा देते हैं। क्या ये लोग हिंदू नहीं है? अगर नहीं है तो मुझे बता दो ना, मैं इन सबको बताया आता हूँ। तो ये जो तुम अपने राज्य में रहकर अपनी 4 आंखों से जो गिर दिखता है उसको देखकर तुम पूरे के पूरे इंडिया को कहने लग पड़ते हो ना कि नॉन वेज मत खाओ, ये स्टूपिडिटी है। देखो मैं वेजिटेरियन हूँ ना, एंड मैं जीवन में कभी किसी नॉन वेज चीज को नहीं खाऊंगा कि मैंने खुद मुर्गा काटा या किसी से कटवाया और खा लिया। बट एट द सेम टाइम इट डज नॉट मीन कि मैं बाकी नॉन वेज खाने वाले लोगों को हेट करूंगा, और ये नहीं कहूंगा कि ये हिंदू है तो ये मीट नहीं खा सकता, क्योंकि कई सारे राज्य इंडिया में ऐसे हैं जो कि हिंदू होकर भी मीट खाते हैं, इवन मीट का प्रसाद बांटते हैं। और बोलो तो निकलो थोड़ा बाहर, तुम्हारी गंगा यमुना के आसपास ही सिविलाइजेशन नहीं है? याद करो रावी नदी के आसपास भी लोग बसे हैं, ब्यास के आसपास भी बसे हैं ना, वो भी इंसान है, वो भी हिंदू ही है तुम्हारी तरह, तो वो मीट खाते हैं। तो सिर्फ तुम्हारे सोचने के नजरिए से दुनिया नहीं चलेगी, उधर भी एक सिविलाइजेशन है। सो स्टॉप कोपिंग कि हिंदू लोग मीट नहीं खा सकते, खाते हैं, बहुत लोग खाते हैं, और वो उतने हिंदू हैं जितने तुम हो। और मीट खाने का और अच्छे बुरे इंसान का कोई लिंक नहीं है। हिटलर को जानते हो? वही मुच्छी अंकल जो था जर्मनी का, वो अंकल जी दुनिया के बेस्ट डॉग लवर थे, वो इतना कुछ करवाते थे जानवरों के लिए, वेयर एज इंसानों को लिटरली होलोकॉस्ट चैम्बर में घुसा घुसा के ना गैस पंप करते थे। अब बताओ क्या वेजिटेरियन लोग अच्छे ही होते हैं, क्या नॉन वेज वाले बुरे ही होते हैं? नहीं होता ऐसा कुछ। नेक्स्ट पॉइंट है कि वी बिलीव टू मच इन पीपल। हमें ना बहुत ज्यादा भाईचारे में विश्वास होता है, ये मेरा बेस्टी, ये मेरी गर्लफ्रेंड, ये मेरा वो, ये मेरा वो। द ट्रूथ इज माँ बाप के सिवा किसी को फर्क ही नहीं पड़ता तुमसे, कौन हो तुम और क्या हो तुम। हमें लगता है ना कि हम लोग जो हैं हम तो जानवर नहीं है, हम तो इंसान है, हम तो सोचते हैं ये वो। बट द ट्रूथ इज हम जानवर से कुछ ज्यादा एडवांस नहीं है। हाँ ये हो जाता है कि जानवरों में दोस्ती का कुछ मतलब ही नहीं है,
और रियलिटी में थोड़ा बहुत दोस्ती का मतलब है, पर उसका मतलब ये नहीं कि कोई तुम्हारे लिए गोली खा लेगा, उसका मतलब ये नहीं है कोई तुम्हें अपने पैसों से पाल लेगा। 5 दिन किसी के घर पे तो रुक कर देखो कि रोटी खिला दे, 6वें दिन लात मार के भगाएगा, सगे मामे चाचे भगा देते हैं अपने घर से। तुम तो अपने दोस्तों की बात कर रहे हो, जितना मर्जी तुम करते रहो, ये मेरा अनब्रेकेबल बॉन्ड है, मेरी जान है, ये है वो, ऐसा कुछ भी नहीं होता। गॉड कॉम्प्लेक्स से बाहर आओ, कंडीशन सही रहती है, सब अच्छे रहते हैं। जैसे पैसा जाता है ना जेब से और जैसे बुरे दिन चलते हैं तो एक साथ ही सब लोग छोड़ देते हैं, एंड ये एक जीवन का तथ्य है। वाह, आई मीन तुम ये रिसेंट जितने भी डिवोर्सेज होते हैं ना, जिसमें भी जो नई वाइफ है वो छोड़ के भाग जाती है, कभी अपने देवर के साथ, कभी अपने चाचे के लड़के के साथ, कभी किसी के साथ, कभी किसी के साथ, उन सब केसेस में देख लो क्या हुआ था। जितने हस्बैंड थे उनको लगता था ये तो मेरी वाइफ है, हम तो इंसान हैं, ये हैं वो हैं साथ में, ऐसा होता नहीं। इंसान भी जानवरों जितने मतलबी हो जाते हैं मौका आने पर, और ये कम्प्लीटली नेचुरल चीज़ है। हेट द गेम नॉट द प्लेयर। कभी तुम जंगल में जाकर रात को गधों की तरह घूमोगे और कोई खा जाएगा भालू भूलू, तो भालू को गलत नहीं ठहराओगे, खुद को गलत ठहराओगे कि भाई तू क्यों गया, तुझे पता नहीं है क्या। सेम वे तुम्हें पता होना चाहिए कि लोग बुरे हैं और लोग बुरे हो सकते हैं, अच्छे से अच्छा बंदा बुरा बन सकता है। 6 दिन किसी को रोटी ना मिले ना, वो अपना कुत्ता मार के खा जाएगा भूख पे आई तो, और 15-20 दिन ना मिले तो इंसान तक को मार देते हैं लोग खाने के लिए। इमेजिन ईटिंग योर ओन फ्रेंड अगर रोटी ना मिले। हाँ, जो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है ना, जिसके साथ तुम घूमते हो, सोचते हो ये मेरी जान है, तुम दोनों को 15-20 दिन के लिए बंद कर दूँ ना बिना रोटी के लिए, तुम में से एक आधा एक दूसरे को मार के खा जाएगा। एंड ये कोल्ड हार्ट ट्रूथ है ह्यूमैनिटी का, इसको हेट करने की जरूरत नहीं, बस एक्सेप्टेंस की जरूरत है, ताकि तुम्हें पता लग जाए कि हाँ फ्रेंडशिप है सब कुछ है, बट एट द एंड ऑफ द डे ये भी एक मैमल है, इसमें भी इंस्टिंक्ट्स हैं, ये भी एक जानवर है मेरी तरह, और हम कोई भगवान नहीं है जिनको भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती, हमें भी मरने मारने पे आएगी तो मार देते हैं। इस चीज को दिमाग में घुसा लो। नंबर 3, बीइंग कक्स। मेरे कमेंट सेक्शन का एग्जांपल उठाकर देख लो इस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए। कई सारे लोग बोलते हैं तू क्यों लुक्स लुक्स करता है, तू क्या सोशल सोशल करता है, हम इंसान है, वी आर बेटर देन एवोल्यूशन, वी आर बेटर देन बायोलॉजी, है ना, हम तो इंसान है इंसान। द ट्रूथ इज कि इंसानों में और लंगूरों में ज्यादा फर्क नहीं है। लंगूरों में पता क्या होता है, एक प्रथा होती है कि जो स्ट्रॉन्गेस्ट लंगूर है ना, वो 5-6 लंगूरियों को उठा लेता है, ठीक है, अब उन 5-6 के साथ मेट करता है ना, और उसके बाद उन लंगूरियों को छोड़ देता है, फिर उन लंगूरियों के जो बच्चे होते हैं ना, उनसे अकेले नहीं पाले जाते, फिर वो लंगूरियाँ जाती हैं कमजोर लंगूरों के पास, और फिर वो कमजोर लंगूर उन लंगूरियों को पालते हैं। सुना सुना लग रहा है, नहीं लग रहा है, चलो कुछ एग्जाम्पल देता हूँ। लोगन पॉल और उसकी वाइफ, अगली जनरेशन और इस जनरेशन की 90% अरेंज मैरिजेस, क्या है ये सब, वही है, लड़कियाँ जवानी में अल्फा को चूज करती हैं, डेटा निकलता है ना टिंडर वगैरह में, 20% मेन जो है वो 80% वुमेन को डेट कर रहे हैं, मैच कर रहे हैं, देख लो सेम लंगूरों वाला तो एग्जांपल है ये। 80% वुमेन टॉप 20 को चूज करती अपनी यंग एज में, 23-24 तक एक्सिस बनते हैं 3-4-5-6, एंड उसके बाद जैसे ही 25 पर पहुंची तो घर से रिश्ता चला जाता है एक डॉक्टर को, जिसने अपनी जवानी में सिर्फ पढ़ाई लिखाई की है, उसने कभी बॉडी नहीं बनाई, उसने कभी लुक्स पे फोकस नहीं, बेचारे को चश्मा लगा पड़ा है, मेहनत मारी, खूब पढ़ाई की, अब उस लड़के को वो लंगूरी मिलेगी जिसके 3-4 एक्स रह चुके थे। ये लिटरली सेम नहीं है क्या? अगर 100% कंपलसरी हो जाए कि सेक्स होते ही बच्चा होगा, तो डोंट यू थिंक कि ये और लंगूरों वाली चीज सेम है, कि लंगूरों में एक लंगूर के पास 5-6 लंगूरियां होती हैं ओवर टाइम, उनके बच्चे होते हैं, फिर वो वीक लंगूरों को चूज कर लेती हैं, क्योंकि वो जो अल्फा लंगूर था वो तो न्यू लंगूरियों के पास चला गया। वेराज ह्यूमंस में एक मर्द होता है, उसकी बहुत सारी फीमेल फ्रेंड्स बनती हैं ओवर टाइम 5-6 साल के समय में, जिसको आप बैड बॉय कहते हो, जिसको गुड लुकिंग मैन कहते हो, एंड उसके बाद उसका सबसे ब्रेकअप हो जाता है, उन सबके अलग अलग बड़े बड़े घरों में बड़े बड़े अमीर अमीर लड़के मेहनती मेहनती लड़कों के साथ शादी हो जाती है। लिटरली सेम 1-to-1 डायनेमिक है ये। नाउ टेल मी, किस तरह से हम जानवरों से अलग हुए? हाँ, हम सोचने का नजरिया रखते हैं, हम काइंडनेस की तरफ विश्वास करते हैं, सब अच्छी बात है, बट टू थिंक कि अगर तुम ज्यादा काइंड हो, दुनिया भी तुम्हें वैसे नजरिए से ट्रीट करेगी या लोग भी तुम्हें वैसे मिलेंगे, सबसे बड़ी क्लाउनरी है। एंड बिगेस्ट काली गोली पता है क्या है, बिगेस्ट ब्लैक पिल पता है क्या है, द अर्लियर यू एक्सेप्ट दिस थिंग उतना ही तुम्हारा जीवन आसान हो जाएगा। अभी मैंने कल परसों पोस्ट डाली थी कि किस तरह ओवर 30% वुमेन जो है ना, वो अंडर 18 इंडिया के 11 राज्यों में वर्जिनिटी लूज कर दे रही है 18 साल से कम की एज में। अब उन 30% लड़कियों में से लेट अस जस्ट से 20% की शादी हो जाती है, तो जो 10% बची, तुम्हें क्या लगता है उनकी शादी किससे होगी? उसी बंदे से होगी ना जो इंजीनियरिंग करके गया है, जो खूब मेहनत की है, जिसने अपना टीन लव एक्सपीरियंसेस को निगलेक्ट किया है अपने अच्छे फ्यूचर के लिए। तो दिस प्रूव्स व्हाट आई एम सेइंग। अब उस पोस्ट के कमेंट सेक्शन में ना बंदे लिटरली उस चीज को डिफेंड कर रहे हैं, बोल रहे हैं तो क्या हुआ, इट्स ओके, होता है ऐसे वैसे, लाइक हम लिटरली कक बनते जा रहे हैं दिन प्रतिदिन, क्योंकि हमें फील होता है हम तो ह्यूमंस हैं, एनिमल से बेटर हैं, नहीं है हम। यहाँ भी अगर जानवर हमारे जितने एडवांस हो जाएं, हमारे जितना
साइंटिफिक चीज़ों में डेवलपमेंट कर लें तो वो हम पर स्किन के प्रोडक्ट्स यूज़ करेंगे, वो हमको इस तरह से मार कर खाएंगे। यहाँ पर भी दो दोस्तों को, जिगरी यारों को, दो सगे भाइयों को 15-20-30 दिनों के लिए बंद कर दिया जाए कमरे में बिना खाने के, तो दोनों एक दूसरे को मार कर खाना निकाल लेंगे दूसरे की ही चमड़ी से। एंड यहाँ पर भी सेम लंगूरों की तरह, सेम जानवरों की तरह, अल्फा मैन जो है वो ज़्यादा लंगूरियों को लेकर जाता है एंड उसके बाद उनको पंप एंड डंप करके वीक लंगूरों के लिए छोड़ देता है। And that is the truth of life. यही काली गोली है, यही सत्य है। The question is yours. क्या तुम्हें इसी गॉड कॉम्प्लेक्स में जीना है कि I'm the best यार, हम तो इंसान है, हमारे बीच ऐसा नहीं होता, यहाँ तो मान मर्यादा ऐसा कुछ नहीं है। There is a beautiful line. Alpha fucks, beta cucks. And that is the truth. So work on yourself. Don't think कि तुम अगर एक idealistic, hopeful आदमी हो तो जो दूसरा बंदा है वो भी वैसा मिलेगा। नहीं, they will use you, destroy you. हजार तरह के केसेस आ रहे हैं मैन पे, जिन पे शादी करने के बाद जो वाइफ्स हैं वो लिटरली उन पे डाउरी केस लगा दे रही हैं, उन पर कंसेंशुअल सेक्स का, मैरिशियल रेप का केस लगा दे रही हैं। क्यों? क्योंकि पैसा देख कर ब्याह हुआ था। अभी भी सोच लो, तुम्हें पैसा दिखा कर शादी करनी है या फिर अपने दम पर शादी करनी है? बाकी मेरी बात माननी तो मान लो, अदरवाइज लेमन चूस लो। अगर आप इंटरेस्ट हो मेरे साथ 1-to-1 कोचिंग को लेकर बात करने के लिए, चाहो तो फर्स्ट लिंक इन डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन में मेरा आपको इंस्टा पेज एंड डिस्कॉर्ड सर्वर मिलेगा, दोनों को ज्वाइन और फॉलो बटन दबा दो। आई विल बी सीइंग यू नेक्स्ट टाइम, एज यूजुअल टू सी एवरीवन, जागते रहो।